पाकिस्तानी मॉमी नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल आबाद। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए व्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे बेटा बना रहा है आइस कॉफी। यहाँ पे उन्होंने लिया भर के एक चम्मच कॉफी की और डाला जी गर्म पानी, और उसके बाद उसको मिक्स करके उसमें ऐड किया गया है दूध, और ये है जी वनीला जो कि डाला गया, और ये लिया गया ऑर्गेनिक है ये, और काफ़ी मज़ेदार है। और साथ में ही मैं बना रही हूँ जी अपना ड्रिंक जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, और यहाँ पे मैंने फ्रेश चाय गार्डन से लिया है पुदीना, जिसको मैंने क्रश कर लिया यानी कि उसको कूट लिया अच्छी तरह से। और ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत स्मेल आ रही थी इसकी, और ये हमें दिया था जी हमारी पड़ोसी है जिन्होंने दिया। और यहाँ पर मैंने एक जग लिया जी, उसके अंदर मैंने डाला है वो कुटा हुआ पुदीना, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो है काला नमक, उसके बाद पिसी हुई चीनी और सूखा धनिया, और उसके बाद जी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। और आपको बताती चलूँ कि मैं भूल गई थी जो है फ्रेश लाइम या नींबू डालना। और उसके बाद जी आप फिजी ड्रिंक कोई से भी डाल सकते हैं, सेवन अप भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, लेकिन यहाँ पे मैं ले रही हूँ नॉन फ्लेवर जो है फिजी ड्रिंक जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। यहाँ पे फारिस प्रीस है ये, जो कि नॉर्वे में रहते हैं उनको पता होगा इसका, और यकीन मानिए कि ये बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनता है जो कि मेरा बहुत फेवरेट हो चुका है। और रमज़ान में मैंने ये बहुत ज़्यादा बनाया है, और यकीन मानिए कि इसका जायका बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्थी और बहुत ही मज़ेदार होता है, और बहुत ही ठंडा ठंडा सा यानी कि आप फील करते हैं ये पीकर। तो हमारे घर में ये मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत ही फेवरेट है। और यहाँ पे जी देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सा ग्रीन सा कलर आ जाता है इसमें जब मिंट जो है थोड़ी देर तक इसमें सेट होने के लिए रहती है। तो यहाँ पे स्टर करें इसको सर्व करने से पहले, और जी इंजॉय करें। और काला नमक थोड़ा सा कम मैंने डाला था, लेकिन काला नमक आप और भी ऐड कर सकते हो, तो ये बहुत मज़े का बनता है, मुझे बहुत पसंद है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना ये। और उसके बाद जी जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, तो मैंने बनाए थे दही भल्ले जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। यहाँ पे मैं पैकेट वाला जो है दही भल्ला मिक्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी होती है इस चीज़ से, आपका बहुत जल्दी झटपट जो है भल्ले बन जाते हैं। और यहाँ पे मैंने बड़ा पैकेट लिया था दही भल्लों का, वो हमने बनाए और बहुत ही ज़बरदस्त बने भल्ले। आगे जाके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार से गोल गोल से क्रिस्पी से भल्ले हमारे हो रहे हैं तैयार। और ये देखिए जी काफ़ी सारे बन गए, और साथ ही मैंने कटिंग कर लिया है प्याज की और ग्रीन चिलीज टमाटर, और यहाँ पे भिगोने लगे हैं भले जितने हमें चाहिए। और माशाल्लाह से बच्चे भी अब खा लेते हैं, पहले थोड़ा सा नखरे होते थे कि जी हमें पसंद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सिर्फ सारे में जो मेरे घर में भला नहीं खाते बाकी बच्चे माशाल्लाह से खा लेते हैं। और ये देखिए जी होने लगी है जी हमारी डिश तैयार, और मैंने साथ ही जो है तैयार कर लिया हुआ है दही दूध चीनी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर सॉल्ट और जी चाट मसाला डाल के मैंने बना लिया हुआ दही को। और यहाँ पे मैं असेंबल कर रही हूँ, यहाँ मैंने लिए जी चने लिए हैं, मिर्चे लिए हैं, प्याज और टमाटर मैं एक साइड पे डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे जो टमाटर नहीं खाते, तो इसलिए एक साइड पर टमाटर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आलू ऐड किए जा रहे हैं, और सरों की थोड़ी सी ग्लेयरिंग लगा के उसके ऊपर मैं डालूंगी दही भल्लों को रखेंगे, और फिर ऊपर से जी ऐड कर देंगे दही को, और थोड़ी देर के लिए आप इसको पड़ा रहने देंगे तो भले जो है सोक कर लेंगे दही को, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनते हैं ये दही भल्ले। और मैं समझती हूँ कि अपनी लाइफ को जो है ईजी करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारा कुछ स्क्रैच से ही बनाएं। आप अगर बहुत ज़्यादा दिल करे खाने को तो आप पैकेट वाला भी दही भल्ला जो है यूज़ कर सकते हैं, और उसमें मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, अपने लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो आप खुद से घोटते हैं, जैसे कि मेरे मियाँ जो हैं वो बनाते हैं खुद से दही भल्ले बनाते हैं वो डाल के या बेसन के, तो वाकई उनका तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर देखिए जी मैं ऊपर से डाल रही हूँ दही, और बहुत ही मज़े का लुक आएगा जी हमारे भल्लों का, फाइनल लुक देखिएगा और बताइएगा कि कैसे लगे आपको। और दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उससे ज्यादा यकीन मानिए कि ये मज़ेदार बने।
और मौसम जी हमारे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, तो दिल बस यही करता है कि कोई मज़ेदार से स्नैक्स वगैरह हों, फ्रूट वगैरह हों, भल्ले हों, गोलगप्पे वगैरह हों। तो आज आपको बताती हूँ कि आज बना रही हूँ मैं गोलगप्पे, लेकिन गोलगप्पे हैं बाजार के, लेकिन इंजॉय हम लोग करेंगे उनको बाहर बैठ के खूबसूरत से मौसम में। और ये देखिए जी आ रही है जी इमली की चटनी लगा रही हूँ मैं ऊपर से, और ये है जी डिजाइनिंग खूबसूरत सा आर्ट वर्क दिखाया जा रहा है आपको। देखिएगा बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे देखने में। यकीन करें कि देखने में जितनी चीज़ अच्छी लगे तो जायका उसका दुबला हो जाता है। क्या कहते हैं आप सब लोग, मेरे लिए प्रेजेंटेशन जो है चीज़ की बहुत मायने रखती है, और हमारे घर में मैं इसी चीज़ से मशहूर हूँ कि मुझे ये कहा जाता है कि आप प्रेजेंटेशन चीज़ की बहुत अच्छी करते हो, तो दिल भी करता है इंसान का खाने को। देखिए जी ग्रीन टी का एक छोटा सा टच दिया है, तो देखिए जी वाह जी वाह, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं हमारे भले। और यहाँ पे जी सफाई हो गई थी स्टार्ट, ये देखिए जी वाह वाह जी सफाइयाँ हो गई, ज़्यादा नहीं करनी थी। और यहाँ पे आ गए थे सारे सब स्कूल से, और उनका दिल था खाने को ऑमलेट, तो वो अपने ऑमलेट बनाने की तैयारी करने लगे हैं जी। लिया जा रहा है यहाँ पे बाउल, और विस्क ली जाएगी, और यहाँ पे जी उन्होंने साथ में अपने सीरियल भी लगाया हुआ फेवरेट, और यहाँ से उन्होंने लिए एग्स। और जी आगे चलते हैं जी, यहाँ और एक क्रैक, एक जो है बड़ा ही मजे का जो है, हमें बहुत मजा आता है देखते हुए जब सारे जो है अंडा दौड़ते हैं। यहाँ पे आया जी नमक, और खाते हैं जी सारे सब स्पाइसी, तो आएगा जी रेड चिली पाउडर, और फिर मिक्सिंग हो गई, और उसके बाद दिल नहीं था उनका बाकी करने का जी। फिर आ गई जी पारी, मैं बना रही थी चिकन, बना रही थी केएफसी वाली चिकन, तो यहाँ पे मैंने दिया है जिंजर पाउडर, ये आया जी गार्लिक पाउडर, और ये है जी ब्लैक पेपर, सॉल्ट और मस्टर्ड पेस्ट, साथ में ऐड की मैंने केचप, और इस सबको अच्छे से कर लिया मिक्स। बहुत ही मज़े की मैरिनेशन बनती है ये, जैसे कि आपको नज़र आया मैंने बेकिंग पाउडर भी यहाँ पे रखा है, और इसके अलावा चिली सॉस भी रखी है, लेकिन ये इसकी दूसरी मैरिनेशन में जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लें, और उसके बाद मैंने जी ली है चिकन, जिसको मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया है, बोनलेस चिकन लिया है मैंने, और चिकन को हम कर लेंगे कट दो के अंदर। ये पीसेस मेरे थोड़े छोटे थे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार चिकन है ये, इसको मैं दो में कर लूँगी, और फिर एक हैमर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से जो है फ्लैट कर लेंगे। और घर की चीज़ बनी हुई में बरकत भी होती है, और इतना मुश्किल भी नहीं होता कोई भी काम, और आप अपनी मर्ज़ी से देखें एडजस्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने वही मसाले लगाने हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, आप काली मिर्च लगा सकते हैं, और थोड़ा सा और को मसाले जो है चिकन के को मसाला लगा सकते हैं फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह से हम लोग कूट लेंगे, और इसी तरह से मैंने सारी चिकन को कर लिया है, तो उसके बाद इसको हम मैरिनेट कर देंगे अपने मैरिनेशन के अंदर। और ये देखिए जी उस पर मैंने लगा दिया है अपना ये चिकन का मसाला, सारी चिकन के पीसेस पे आप इसी तरीके से मसाला लगा के जो है इसको रख दें, और फिर आपके लिए इजी हो जाता है। अभी इसके बाद एक और बैटर जो है बनता है दूध, और थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, और चिली सॉस डाला था, और मैदा था, कॉर्नफ्लोर था, और उसका बेक मिक्सर था जैसे कि आपको यहाँ साथ नज़र आ रहा है, तो मैंने वो रखा हुआ है। उसके बाद साथ ही जो है पेटी पैटर बना रही थी फ्रूट का, और बहुत ही मज़े का वेदर है देखें जी, और साथ में बन रही थी और इस कॉफ़ी का बाकी जो है असेंबलिंग हो रही थी। यहाँ पे लगाया गया जी चॉकलेट, और उसमें भी दूध डाला जा रहा है, साथ में कॉफ़ी बनी है। ये दूसरी दफ़ा बन रहा था ये ड्रिंक, एक हमने सुबह ड्रिंक बनाया था, उसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाने से की, तो ये आपको दिखा रही हूँ कि दोबारा उसी तरीके से जो है ये ड्रिंक बन रहा था, और क्योंकि आ रहे थे मेहमान, यानी कि आ रही थी फ्रेंड बेटी की, तो ये उनके लिए बन रहा था, और सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा फैंसी किया है चॉकलेट ड्रिजल करके, और इस पे जाएगी क्रीम की टॉपिंग होगी और ऊपर चॉकलेट होगी, बहुत ही मज़ेदार ये सारा प्रोसीजर वही था। और ये वनीला है,
और ये स्पेशल जो है कॉफ़ी वाली दुकान से ली हुई है जी, फाइनल लुक थी हमारे बर्गर की और फ्राइज की। और ये जो फ्रेंड है वो लेके आई थी कुकीज़ लेके आई थी, और ये देखिए जी वो ड्रिंक्स के बारे में मैं आपको बता रही थी, बहुत ही मज़े के बने बर्गर्स भी और साथ में ये कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी बनी। और यहाँ पे बेटा जो है बाद में कर रहे थे सफाइयाँ, जैसे कि आपको बताया कि गार्डन हमारा जो है फ्रंट का थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है गंदा हो रहा था, मिट्टी वगैरह थी, और इसको पहले उन्होंने सारा झाड़ू लगाया, काफ़ी मेहनत की माशाल्लाह, बहुत समझदार है माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो नेक लाइक और कामयाबी दे और माँ बाप का फरमाबरदार बनाए और हमेशा खुश और कामयाबी दे बच्चों को, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे जी सेटिंग होने लगी है बाहर बैठने की, और ये जी काफ़ी गंदा हो रहा था टेबल, इसको भी एक दफ़ा से दोबारा से अच्छी तरह से बेटे ने क्लीन किया। और बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ जो है आपको अच्छी तरह से क्लीन करनी चाहिए जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ ख़ास तौर पे खाना पीना रखते हैं। और ये लग गया जी टेबल, और साथ में ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी जो है अम्ब्रेला है जो हमारे पूरे टेरेस को कवर करती है, बहुत ही खूबसूरत है, ये हमने लास्ट ईयर ली थी। और इसके अंदर इस टब के अंदर पानी भरा जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भरा जाता है कि ये जो है अम्ब्रेला जो अपने जगह से हिले ना। और यहाँ पे मैं हम लोग आपको बता रहे कि फिलिंग की जा रही थी इसके अंदर पानी की, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी जो है डाला जाता है कि ये अपनी जगह से कहीं हिले ना, अगर काफ़ी तेज़ हवा भी चलती है तो ये उधर ही छतरी रहती है, यानी कि इस किस्म की बनी हुई है कि हवा के साथ घूमती है, अगर आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हस्बैंड जो है वो हेल्प करवा रहे थे, मैंने जॉब पे भी जाना था कि उनका कहना कि हेल्प करवा देता हूँ। और ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत सा मौसम था, और ये हमारी छतरी भी रेडी हो गई थी बैठने के लिए, और बहुत ही मज़ा आता है दोपहर बैठ कर जो है ब्रंच करने का, ब्रेकफास्ट वगैरह करने का। और ये मेरे मैंगो के प्लांट्स हैं, यानी कि मेरे बेटे ने लगाए हुए हैं आम, जो मैंगो की सीड से जो घर में आए थे मैंगो, उनके ये लगाए हुए हैं। और यकीन मानिए कि इतने खूबसूरत और इतने बड़े हुए हैं कि दिल खुश हो जाता है देख कर इनको, लेकिन आपको पता है कि आप इतनी गर्मी नहीं होती है तो ये हम लोगों ने अमूमन अंदर रखे होते हैं, लेकिन अब बाहर आए तो ये देखिए जी ऊपर का व्यू जो है बेडरूम का। और यहाँ आपको बताते चलें कि हमें गिफ्ट मिले हैं, ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हस्बैंड के एक दोस्त ने दिए हैं, लेकिन बेचारे 3-4 दिन से आए हुए थे तो ये थोड़े से जो है बेचारे मुरझा गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनको लगा दिया गया था, ये लास्ट वीक की क्लिप थी, तो अब इनको जो है इन पे फूल भी आ रहे हैं, और उम्मीद तो है कि इन पे कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रॉबेरीज आएंगी अगर हमने इनकी हिफाजत की तो। लेकिन ये माशाल्लाह के बेटा जो है हर रोज़ इनको 2 टाइम पानी देते हैं, और धूप भी काफ़ी तेज़ है तो इनका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि माशाल्लाह जो है गार्डनिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं बेटे जो है, उनको शौक़ भी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, तो उनको हमने काफ़ी सारी चीज़ें ला कर दी हुई हैं पीछे जो है गार्डनिंग के लिए, तो बस मौसम इजाज़त नहीं दे रहा था पिछले दिनों, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा इन दिनों। तो फिर जहाँ पे देखिए जी बहुत ही खूबसूरत सा जो लगाया गया, और ये आपको दिखा रही कि ये इस वीक का क्लिप है, और ये देखिए जी फूल आ चुके हैं, इसका मतलब है कि हमें स्ट्रॉबेरीज भी मिलेंगी इंशाल्लाह। आपके साथ शेयर करूंगी अगर इन पे स्ट्रॉबेरीज आई तो क्या लगता है आपको कि आएंगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।